लेग प्रेस चौथी एक्सरसाइज है ना, इसमें वेट सेम मारना है 350-400, 500, 550। मैंने नोटिस किया है अच्छे जो बड़े बड़े चैंपियन भी है ना, वो भी ये गलती करते हैं अक्सर जो नहीं करनी चाहिए बॉडी बिल्डिंग में। सबसे बड़ी एक फंडा बता देता हूँ, लाइक सपोज मेरी 240 की स्क्वाड है, बट अगर मेरे 160 से 10 से 12 रेपिटेशन मेरे से निकल रहे हैं बड़ी मुश्किल से। Hey guys, welcome back to my channel, Indian Health Bahadur Upreti। तो guys, cutting phase मेरा start हो चुका है, ये third मेरा episode है जो मैं start कर रहा हूँ आज। किस तरीके से cutting phase में मैं क्या क्या चीजों को follow करना होता है, मैं अपनी diet भी आपको explain करूंगा कि क्या मैं diet ले रहा हूँ अभी। Cutting phase में diet क्या होनी चाहिए, और अक्सर मैंने एक नोटिस किया है कि जब भी बंदे कटिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा शेडेड हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। वो पतले क्यों होते हैं, उनका मसल मास लॉस क्यों हो जाता है इतना, उसका क्या रीजन है, वो मैं बताऊंगा अंदर की बात। और दूसरी बात, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने स्टैक के बारे में, अपना मैं क्या स्टैक चला रहा हूं अभी और क्या क्या कर रहा हूं मैं, सब चीज सब कुछ डालूंगा यहां पर अभी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करना है, इसमें एक लाइक बटन और बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। आज वर्कआउट करेंगे, आज है मेरा लेग का वर्कआउट, थाई का वर्कआउट है आज, थाई का वर्कआउट करेंगे। डोले मासा पंप हो चुके हैं, विंग्स देख रहे हो आप पूरी किस तरीके से निकल रही है, बहुत अच्छी कंडीशनिंग आ रही है। अभी दो दिन हुए सिर्फ, दो दिन, आज वेडनेसडे तीसरा दिन है, तीन दिन हुए कटिंग फेस स्टार्ट किए हुए। बॉडी बिल्डिंग की छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जब भी आप हैवी वेट मार रहे हो, लाइक अगर स्क्वाड में भी आप 100 से ऊपर जा रहे हो, तो नी रैप आपको मस्ट प्रोटेक्ट करने, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जॉइंट्स नी और बैक तीनों को अगर बॉडी बिल्डिंग में आपने अच्छा प्रोटेक्ट करके चले हो तो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो फिर सर्जरी करवानी पड़ जाती है। तो इसको अच्छे तरीके से करो। और बॉडी बिल्डिंग का एक फंडा बता देता हूँ, लाइक सपोज मेरी 240 की स्क्वाड है, बट अगर मेरे 160 से 10 से 12 रेपिटेशन मेरे से निकल रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो दैट इज़ इनफ। क्योंकि टिल फेलियर तक है, 4 से 6 सेट अगर आपको मारने हैं तो उसमें आप फेलियर तक जा रहे हो हर सेट में, तो दैट इज़ इनफ। और मुश्किल निकलना चाहिए मुश्किल से, ये बॉडी बिल्डिंग है ऐसे करो। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करना, मसल्स को फील किया करो, लाइक अगर आप ऊपर आते हो तो मसल्स को फील नहीं कर रहे हो स्क्वाट को, अगर टाइट आपके क्वाड मसल को टाइट नहीं करोगे तो फील नहीं होगा मसल्स। मेहनत करो, ऐसे पसीना निकलना चाहिए, बॉडी बनेगी, ज़रूर बनेगी। देखो स्क्वाट कैसे मारता हूँ मैं, मसल्स आप किस तरीके से मसल्स को फील करता हूँ हैवी वेट में भी, वो देखो। स्ट्रेचिंग किया करो, ऐसे मसल्स रिलैक्स होगा, हाँ ऐसे मसल्स फट जाता है कईयों का, उसका रीज़न यही है स्ट्रेचिंग और मालिश कंपलसरी है। आप लोग जब भी एक्सटेंशन करते हो तो हमेशा इसमें जो है एक गलती करते हो, आप इसको यहाँ तक ले जाते हो और नीचे ले जाते हो ऐसे,
ऐसे कर दो, ये तरीका नहीं है। आप इसको पूरा नीचे तक जाने दो, पूरा नीचे तक जाना चाहिए, और जो ऊपर आ रहा है तो यहाँ इसको होल्ड करो, यहाँ होल्ड करो, मसल्स को फील करो आप, और मैक्सिमम वेट इसमें मारना है आपने, मैक्सिमम। हर सेट लास्ट सेट होना चाहिए, रेस्ट टाइम जितना कट करोगे उतना मसल जल्दी बिल्ड होगा। आप लोग कंपाउंड मूवमेंट में अक्सर रेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हो, आइसोलेट मूवमेंट में तो लेना ही नहीं चाहिए रेस्ट, कंपाउंड मूवमेंट में थोड़ा बहुत एक मिनट का रेस्ट बहुत होता है। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मसल्स को लास्ट मोमेंट तक रुलाना है अपने, हर सेट लास्ट सेट होना चाहिए, फेलियर टिल फेलियर। मैंने नोटिस किया है अच्छे जो बड़े बड़े चैंपियन भी है ना, वो भी ये गलती करते हैं अक्सर, जो नहीं करनी चाहिए बॉडी बिल्डिंग में। सबसे बड़ी, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, मसल्स पम्प हो रहा है, लेकिन लास्ट में होता क्या है, मसल्स फट जाता है। देखो हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, ये रबड़ है, इसको जितना खींचोगे उतना बढ़ेगा ये, बट आप खींचते नहीं हो। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेचिंग, देखो पंप हो चुका है और पूरा एकदम लूज है, देख रहे हो। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के बाद आपने स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है, मालिश कराया करो भाई, मालिश मस्ट, हफ्ते में 3 से 4 दिन मालिश होनी चाहिए बॉडी की, डबल पार्ट के दिन स्पेशली, मसल्स रिलैक्स हो जाएगा, फटेगा नहीं आपका। Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. देखो बॉडी डिहाइड्रेट होनी स्टार्ट हो गई है, हाथ कांप रहे हैं। इसके लोगों को इसका मतलब जो एथलीट होते हैं बिगनर उनको नहीं मालूम होता, जो नेक्स्ट लेवल के बंदे हैं उनको तो खैर पता होता है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बट जो बिगनर होता है अक्सर वो कंफ्यूज आते हैं। यही रीज़न होता है कि मसल्स लॉस होना स्टार्ट हो जाता है उनका, बॉडी सेडेड हो जाती है चैंपियनशिप के टाइम पर स्पेशली। अभी जैसे अभी स्टार्ट हो रहा है मेरा कटिंग फेस, तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जिंक मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये बॉडी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। जिंक मैग्नीशियम पोटेशियम ये आपको जड़ में जैसे है ये आप ले सकते हो, उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे केले के अंदर भी होता है, तो ये चीज़ें मसल्स के अंदर और आपके बोन के अंदर, जैसे जिंक मैग्नीशियम है ये क्या है, मसल्स को प्रोटेक्ट करता है अंदर से, बोन को प्रोटेक्ट करता है। तो डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्टोर होना चाहिए आपका, जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर वाटर आपका स्टोर होगा उतना जो है आपको रिकवर जल्दी हो गया। आप अभी आप बोल रहे हो कि मैं पानी बहुत पी रहा हूँ, बॉडी के अंदर पानी है, नहीं ऐसा नहीं है। अब जब वर्कआउट करते हो तो पानी निकलता है, स्वेटिंग होती है, बॉडी से पानी निकलता है, बट बात वो नहीं है कि कितना पानी आपने पिया, बात यह है कि बॉडी के अंदर कितना वाटर स्टोर हुआ है, तो ये मेन चीज़ है। इसके लिए आपको जो है जिंक मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इसको जो है अभी बराबर इस्तेमाल करना है जब तक आप कटिंग फेस में हो। बॉडी जब चैंपियनशिप आती है उसके कुछ टाइम पहले से जो है चीज़ें बंद करनी होती हैं, बट इतना भी नहीं है कि आप पहले से 3 महीने पहले इसको बंद कर दो, बॉडी बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट बहुत जल्द दिखाई देगा आपके। It's okay.
बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा वर्कआउट होगा तो उल्टी आ जाएगी, क्योंकि बॉडी बोल रही है अंदर से, बॉडी में अभी जान नहीं है। अभी दो सेट और हैं, यानी कि अभी क्वाड मसल ट्रेन किया है, हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं किया, अभी हैमस्ट्रिंग करना है। तो इसके मैं दिन के 500 मारता हूँ, बट अभी 300 से दो सेट या सेट अब नहीं मारा जाएगा। ज़्यादा मारूँगा फिर हैमस्ट्रिंग नहीं होगी, वर्कआउट ख़राब हो जाएगा। तो हैमस्ट्रिंग के दो सेट करूँगा अभी। तो गाइस देखो, बहुत सारी वीडियो में लाने वाला हूँ कटिंग फेस में, जिस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ, अपना स्टार्ट, अपनी डाइट, सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना बादल भाई को, जितना प्यार दोगे उतना नॉलेज आपको दूंगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या फ़ायदा वीडियो बना के यार, व्यूज़ ही नहीं आते। अभी मैं कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो डाल दूँ या रोस्टिंग वाली डाल दूँ, आप लोग सब खुशी खुशी देखते हो, नॉलेज की वीडियो क्यों नहीं देखते भाई। ये सब आपके काम की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी बॉडी बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसे लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको सेट कर दो, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।